सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम में से कई लोगों को जो वो बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तब तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो सबसे पहले मैंने दो बॉल पानी ले लिया है एंड उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। मैं जो हूँ वो छोटे बैंगन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बड़े बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मैं ज़्यादा छोटा नहीं कट करूँगी एंड बैंगन में जो कीड़े होते हैं तो हमें इसको बिल्कुल ध्यान से काटना है। तो इस तरीके से आप सारे बैंगन जो है वो टू हाफ्स में कट कर लेंगे। हम बैंगन को कट करके रख देते हैं तो वो काले हो जाते हैं, इसीलिए मैं उनको नमक वाले पानी में ऐड कर रही हूँ एंड कम से कम इसको 30 मिनट तक मैं ऐसे ही रहने दूंगी। तो अब मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक सिनेमन टमाटो सॉस, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है सूखी लाल मिर्च एंड साथ ही साथ मैं ले रही हूँ 3 टमाटर। इनको मैं करने वाली हूँ अभी बॉयल। इसको मैं कम से कम 10 से 15 मिनट बॉयल करने वाली हूँ। तो दो बॉल पानी ऐड कर दूंगी इसमें, मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। तो जब तक ये बॉयल होता है तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, बैंगन को मैरिनेट करने के लिए जो है वो मसाला बनाने वाली हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया मैदा एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर। तो इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो हमारे टमाटर और मिर्च भी जो है वो बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। बचा हुआ पानी उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम किसी भी दाल को तड़का देते टाइम यूज़ कर सकते हैं या अभी भी हम टमाटो सॉस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। टमाटर को ठंडा होने देंगे फिर इसकी हम पील रिमूव कर देंगे। तो मैंने बॉयल टमाटर और सूखी लाल मिर्च जो है वो उसमें ग्राइंड करने के लिए ऐड कर लिया है। साथ ही साथ इसमें मैंने लहसुन ऐड कर लिया है एंड 1 इंच में इसमें ऐड कर रही हूँ सिनेमन स्टिक। इस तरीके से आप इसको ग्राइंड कर लेंगे एंड इसकी सॉस बना लेंगे। अब बारी है बैंगन को मैरिनेट करके उसको फ्राई करने की। तो बैंगन को जो वो पानी से निकाल के आप क्या कर लेंगे, उसको किसी कपड़े से पोंछ लेंगे या नैपकिन से पोंछ लेंगे आप। बैंगन को मैरिनेट करने के लिए हमारा मसाला जो है वो रेडी है, तो हम बैंगन को जो है मैरिनेट कर लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। तो मैं जो हूँ वो बैंगन को डीप फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहें तो इसको रोस्ट कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। बैंगन को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है एंड मैं जो हूँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बैंगन को जो है लो या मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। बैंगन जो है वो फ्राई हो चुके हैं एंड अब हम क्या करेंगे, जो तेल हमारा बचा था उसमें से हम थोड़ा सा तेल जो है वो उसी बर्तन में रख लेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोंद, एक ट्री गम। तो इस तरीके से गोंद जब खिल जाएगी तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी गार्लिक सिनेमन टमाटो प्योरी। तो अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स एंड अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओरिगैनो। साथ ही साथ इसमें मैं कुछ हर्ब्स ऐड करने वाली हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ नमक एंड थोड़ी सी इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी जो है वो ऑप्शनल रहेगी, चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। सो अब बारी है इसमें ऐड करने की फ्राइड बैंगन। तो हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बैंगन को ऐड करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे सिर्फ। तो आप में से जिन लोगों को बैंगन पसंद नहीं है वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें एंड आई एम श्योर कि आपको बैंगन आज से ज़रूर पसंद आएंगे। तो टेस्ट को और थोड़ा बढ़िया करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेलन सीड्स पाउडर। गाइस, हमारा बैंगन का ये नया वर्जन जो है वो रेडी है एंड आई होप गाइस आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से हर एक मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।